हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। आज हम प्रतिशत के कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अगर हम प्रतिशत को तोड़ें तो ये दो शब्दों में टूटता है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है हर एक और इस शत का मतलब होता है सौ व भाग। तो प्रतिशत का मतलब है हर एक का सौवां भाग। और इसको लिखते कैसे हैं, एक ऐसे तिरछी लाइन खींच के, एक ऊपर छोटा सा बिंदु और एक नीचे छोटा सा बिंदु, और इसका मतलब क्या होता है, एक बटे सौ, हर एक का सौवां भाग। तो जहां भी हमें प्रतिशत निकालना होगा ये चिन्ह दिखेगा तो उसकी जगह हम एक बटे सौ कर देंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 20 का 20 प्रतिशत कितना होगा। तो ये जो का लिखा हुआ है, इस का को हटा के हमें हमेशा गुणा का चिन्ह लगाना है। कहीं भी हमें का दिख जाए तो उसको हटा के हमें गुणा का चिन्ह लगाना होता है। इंग्लिश में हमें ऑफ दिख जाए तो इसका मतलब भी गुणा है। तो यहाँ लिखा है 20 और का की जगह हम लगाएंगे गुणा, फिर लिखा है 20 प्रतिशत, तो 20 लिखेंगे और इस प्रतिशत का क्या मतलब है, एक बटे सौ। तो इस प्रतिशत के बदले लिख देंगे एक बटे सौ। अब देखिए 20 और प्रतिशत के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ गुणा होती है। तो इन दोनों के बीच में हमने गुणा लगा दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, हमारे पास बचा दो गुणा दो, तो दो दुनी हो गया चार, चार आ गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 70% / 10% कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 70 लिखा है, अब 70 और प्रतिशत के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाएंगे, प्रतिशत के बदले एक बटे सौ आएगा, बटे लिखा हुआ है तो बटे लगा देंगे, नीचे लिखा है 10, फिर लिखा है प्रतिशत, 10 और प्रतिशत के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लगा देंगे, प्रतिशत के बदले लिखेंगे एक बटे सौ। अब देखिए बटे में ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं। अब जो ये बड़ा वाला बटे है इसमें एक बटे सौ ऊपर लिखा है और एक बटे सौ नीचे लिखा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा, ऊपर बचा है 70 और नीचे बचा है 10, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, नीचे जो 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ गया हमारा 7 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 100 का 25% का 6% कितना होगा। तो यहां लिखा है 100, फिर लिखा है का के बदले लगाते हैं गुणा, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत के बदले आता है एक बटे सौ और 25 और प्रतिशत के बीच में है गुणा, फिर लिखा है का के बदले फिर से गुणा लगाएंगे, फिर लिखा है 6%, 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रतिशत के बदले आएगा एक बटे सौ, 6 और प्रतिशत के बीच में है गुणा। अब देखिए ऊपर नीचे संख्याएं कट जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ये जाएगा 25 चौका 100, ऊपर 6 है नीचे 4 है, ये दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, तो हमारे पास बचा, ऊपर बचा खाली 3 और नीचे बचा 2, अगर हम इनको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5, यह आ गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 40 का 1/4% कितना होगा। तो यहाँ लिखा है 40, का के बदले लगाएंगे गुणा, फिर लिखा है 1/4, प्रतिशत के बदले आएगा 1/100 और 1/4 और प्रतिशत के बीच में है गुणा। अब ऊपर नीचे संख्याएं कट जाएंगी, यहाँ है 0, 0 से 0 गया, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, ये दोनों 4 एक दूसरे से कट गए, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10, तो यह आ गया हमारा आंसर। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।